और ये बात जब पर्वत हिलने लगा तो माता पार्वती जाकर शिव जी के आलिंगन लेकर कह गए कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है। बोले तूने लात मारी है, वो पर्वत वो रावण है, दशकंठ है, वो तो पर्वत हिला रहा है। तो अब कैसे? शिव जी ने कहा उसको मैं देता हूं, और एक पांव से अपने पर्वत को दबाया तो उसकी चीख निकल गई रावण की, और रावण घबरा गया कि मैं अब इस पर्वत को उठा नहीं सकता। वो बाहर आ गया क्योंकि वो शिव जी से प्रेम करता था। उसने साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, लेकिन कदापि रावण ने अपने जन्मपुर में रावण संहिता पढ़ के जो कहीं गुरु की प्रशंसा नहीं की है, कभी शिव को गुरु नहीं माना, और यही कारण है कि रावण मरते समय अपने जिस देवता उसकी देवी शंकरी थी, शक्ति के रूप में दशमा विद्या के रूप में आज भी लंका में शंकरी देवी का मंदिर है, शंकरी देवी उसकी आराध्या थी। और शंकरी को सब मरते समय रावण ने पूछा कि माँ इतनी साधनाएं किया, तुझे रोज मैं बलि चढ़ाता था, तुझे जो चाहे वो मैं देता था, तेरी कृपा मुझ पर थी, लेकिन एक सामान्य मानव सामान्य वानर बंदर आके मेरे राज्य को विध्वंस कर देकर मुझे मार के चले जा रहे हैं, इसके पीछे कार्य इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो माता शंकरी कहती है कि मैं तेरी तपस्या से तुझे सर काट कर मेरे को समर्पण कर रहा था, मैं उससे प्रसन्न थी और मैंने तुझे प्रसन्नता के साथ दिया, लेकिन ये बात एक बात याद रख, उस राम को चार गुरु है, अगस्त्य वशिष्ठ विश्वामित्र और भरद्वाज, ये चार गुरु उसके पास है और चार गुरु से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया है। जिसको गुरु हो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, और गुरु को रहने वाला कभी गलत काम नहीं करता, इसलिए तू उसने उसके हाथ तू उसके हाथ से मारा गया, तू उसके हाथ से मारा गया क्योंकि तेरे जो गुरु नहीं था। रावण को लगा कि सचमुच गुरु की आवश्यकता होती है। उसी रावण ने एक बार गुरु की महत्ता के बारे में कहता, गुरु बिरु कोई नहीं होता, मेरा शिव है मेरी शंकरी। एक बार क्या हुआ कि उस रावण की बहन शूर्पणखा एक बार राज्य में आए थे, और शिवन रावण के द्वारपाल दो थे, बंड और अबंड नाम के दो द्वारपाल रहते, द्वारपाल पर खड़े रहते थे वहीं, जो गुरु भक्त थे, लेकिन रावण को लेकर डर के गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि रावण ने उसको पकड़ के रखा था दोनों को। शूर्पणखा जब आ रही थी तो आते आते एकदम पांव को कुछ लगा और गिर गई, गिर गए, गिरते ही दोनों हंसे, जो द्वारपाल थे दोनों भी हंसने लगे। ये जब हंसे तो उन्होंने जाकर रावण को जाकर शूर्पणखा ने कहा कि प्रभु आपको एक काम करना है। क्या? उसने नहीं नहीं से बातें सब बोल दी, वो लोग मेरे पर कुदृष्टि रखते हैं, वो रखते हैं, सब रावण को चढ़ा दी। रावण ने उन दोनों द्वारपालों को बुलाया और कहा कि तुम आज तक द्वारपाल थे, आज चाहे तो तुम्हारा गला काट के खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुमने मेरी सेवा की है इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें निष्कासित करता हूं और मेरे राज्य में नहीं दिखना, और मेरा तुम्हें राज्य पता है, मेरा यहां से राज्य दंडकारण्य तक है, अगर तुम दंडकारण्य में भी कहीं मिले तो मेरी बहन तुम्हें कच्चा खा जाएगी, तुम यहां से चले जाओ। और पंड और अबंड दोनों ने कहा कि अब हम कहां जाएं, बाहर दोनों आ गए, चलते चलते जाने लगे कि रावण को इतना गर्व क्यों है यार, बहुत गर्व है उसको, बहुत अहंकार है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि क्या है, सोने की लंका है, सोने की थाली में खाता है, ऐश्वर्य है, सोने से भगवानों को खरीदता है, सोने से अप्सराओं को स्त्रियों को खरीदता है, अपनी इच्छा पूर्ण करता है, यार संसार में सोना और धन का होना बहुत आवश्यक है। धन नहीं हुआ तो इस संसार में कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा धनस्य मार्जाय, धन को अर्जित करना है, धन मूलम इदम जगत, धन के कारण ही जगह है, और इसमें अपिव इससे हम ये कहते हैं कि इस संसार में अगर अनुमान करें तो मृतस्य दरिद्रस्य, मृतस्य और निर्धनस्य, इस संसार में दोनों एक बराबर के, जिसके पास धन नहीं है वो मृतक के बराबर है और निर्धन भी मृतक के बराबर, शव के बराबर है, उसका कोई अपमान उसको कोई चाहता नहीं, जैसा शव को देखकर अपने लोग ही निकल जाते हैं, शव को एक बार शव हो गया तो अपने लोग कहाँ आएंगे, अपने को देखकर छोड़ के चले जाएंगे, और निर्धन की गति भी वही है, अगर उसके पास धन नहीं रहा तो अपने लोग ही उसको छोड़ के चले जाते हैं, वो उस मृतक के समान है। दोनों बंड और अबंड बोलते हुए जा रहे थे, बोलते हुए आगे बढ़े थे, हमें क्या करना चाहिए,
बोले उस रावण को सबक सिखाना चाहिए, क्या हम भी सोना कमाएंगे। अरे हम भी सोना कमाएंगे, कैसा सोना कमाएंगे, क्या यूं ही आएगा सोना, किस तरह आएगा सोना। तो उन्होंने कहा कि एक बात करेंगे, हम पृथ्वी लोक पर जाएंगे, पृथ्वी लोक पर घूमने लगे, किसी देवता के पास जाए, कोई के पास जाए, तो हमारे वाक्सर कहते हैं अगर धन कमाना है तो 1,00,000 वर्ष तपस्या करो, नहीं तो 1,00,000 मंत्र जप करो। सारा टाइम कहाँ है, नौकरी करते पति पत्नियों को देखते देखते टाइम चले गए, हम 1,00,000 जप कब करेंगे, अपने से होने वाला नहीं। अपन ऐसा करेंगे कि कोई योग्य गुरु को पकड़ेंगे जो अपने को सारी चीजें देख सकेगा, दे सकेगा। तो ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि महर्षि वशिष्ठ जो हिमालय के तराई में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, बोले हम दोनों उनकी शरण में जाएंगे। दोनों वशिष्ठ आश्रम को गए और वशिष्ठ आश्रम को जाकर वशिष्ठ महर्षि को नमस्कार किया। तो वशिष्ठ ने कहा, अरे भाई तुम दोनों यहाँ क्यों आए। प्रभु बोले हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस आपके दर्शन, आपका दर्शन हो गया, हमारी इच्छा है कि आपके हम आपकी सेवा करें। वशिष्ठ ने कहा, सेवा करें, मेरे एक सेवा की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु फिर भी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, फिर भी तुम्हारी इच्छा क्या है। हमारी इच्छा कुछ भी हो प्रभु, इच्छा तब पूर्ण होती है जब हम आपकी सेवा करके आपको प्रसन्न कर सके। तो उन्होंने कहा, सेवा के साथ साथ मैं एक विशिष्ट छोटा सा मंत्र देता हूं, उस मंत्र को आप करो। प्रभु बोले, ये सारा राक्षस मुंह, इससे साथ मंत्र नहीं, बीज अक्षर भी नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं, हमारे को मंत्र बिंत्र नहीं होता, मंत्र आता नहीं, कुछ आता नहीं, हम नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा, प्रभु बस यही कही हूँ, वशिष्ठ आयर वहां आपका नाम ले लेंगे, और एक काम करेंगे, अरुंधति तुम्हारी पत्नी गुरु माता का नाम लेंगे, हम इसके सिवा उसको कुछ नहीं आता। अरे हमारा मंत्र नहीं है, यही मंत्र करेंगे, हमारे को यही मंत्र आता है, बस द्वारपाल खड़े रहेंगे, ओम वशिष्ठ आयर वहां कहेंगे, ओम अरुंधति वहां कहेंगे। एक दूसरा शिष्य था, उसने अरुंधति भी उसको बोले नहीं आ रहा था, वो अरुण बोल रहा था। तो अरे वशिष्ठ ने, मैं अरुंधति बोलता हूँ, तो वशिष्ठ बोल, दोनों महाराज इधर उधर पलटा लिए। और एक ने कहा, मैं ओम वशिष्ठाय नमः कहता हूँ, तो ओम अरुंधति नमः, बस उनका जब आरंभ हो गया। तुम्हें बोले सरदर्दी है तुम्हारे राक्षस में, तुम्हें जो करना है करो, दोनों जब आरंभ कर दिए। एक रोज द्वारपाल में खड़ा रहता, ओम वशिष्ठाय नमः एक कहता हूँ, अरुंधति नमः एक कहता। दोनों करते करते एक दिन माता ने कहा, अरे भाई वो तुम दोनों लोगों को वहां खड़े करे हो, वो दोनों भी रोज वशिष्ठ से अरुंधति पुकारते, मेरा जप नहीं हो रहा है, ये लोग रोज पुकारते, इसका कुछ ना कुछ कार्य, तो उनका कुछ ना कुछ नजर तो लगाओ, कुछ ना कुछ काम तो करो। बोले तू ही जाकर बोले उनको क्या करना है। तो गई एक दिन और कहा, तुम ऐसा करो, मेरे लिए जंगल में जाकर फूल लेके आओ, पूजा पूजा के लिए फूल लेके आओ, ऐसा उन दोनों को कहा। दोनों जंगल में गए। अरे माता को अपने नहीं पूछा कि कौन से फूल लाने चाहिए, यहाँ तो हजारों फूल है। अरे बोले तू, मैं यहाँ ठहरता हूँ, तू जाके माता को पूछ के आ कौन से फूल लाना है। मैं बोले मैं अकेला नहीं जाता, मेरे से मेरे को डर लगता है गुरु के पास, गुरु माता के जाने। दोनों फिर वापस आ रहे थे, दोनों वापस आ रहे थे, महाराज अरे क्या हुआ फूल लाने के लिए। बोले माता जंगल में गए, इतने फूल थे, कौन से फूल लाना, आप नहीं बोली, नहीं बोली। धत तुम्हारी की क्या शिष्य मिले मुझे। उनने कहा, तुम ऐसा करो, यहाँ से 10 कदम जाओ और वहां खड़े रहो, फूल जो दिखेंगे वो लेके आना। वो 10 कदम गए, माता अरुंधति को पता चला कि इनको ज्ञान नहीं है। देखा कि वहाँ दोनों बड़े गमले में फूल लगे हुए थे, फूल गमले में ही थे, और जय ओम अरुंधति नमः का फूल के गमले लिए उठा के आ गए। माता ये लेके आए हैं, ये देख तेरे सामने फूल लेके आए। माता जी हंसी और बैठ गई। फिर शुरू हो गया, वशिष्ठाय नमः अरुंधति नमः। अब तंग आ गए। एक बार वशिष्ठ को बुला के वशिष्ठ ने कहा, इनका कुछ करो भाई, ये लो ये ऐसा अपने को सताना कहाँ तक है, इनका कुछ करो। तो उन्हें बोला, तुम सच सच बताओ यहाँ किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें आज तक नहीं पूछा। गुरु जी आपको वशिष्ठ महर्षि जी आपको बताते हैं, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे तो बताएंगे। बोले गुस्सा नहीं करूंगा, बोलो आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या बात। बोले हम रावण की लंका से निष्कासित हो गए, हमें निकाल दिया रावण ने, क्या कारण था और सारी हिस्ट्री बता दी, तो निष्कासित हो गया है, तो यहाँ क्या करना चाहते हैं। हम रावण ने सोने की लंका बनाई है, तो हम चाहते हैं कि हमारे भी एक हम भी इतना सोना कमाएं कि रावण से भी ज्यादा सोना हमारे पास आ जाए, ऐसा आप कोई ना कोई मार्ग बताओ। तो उन्होंने कहा कि इस मार्ग में बताने के क्या है। तो उन्होंने कहा, हम तो दोनों रावण के पास जब भी रहते थे भैंस के रूप में रहकर सेवा करते थे, और मामूली रूप में मनुष्य होते थे, ग्रास करके खा जाते थे, तो हमारा वो भैंस का एक रूप भी है। तो उन्होंने कहा, फिर वशिष्ठ तुम क्या चाहते हो। बस ऐसा वरदान दे दो कि हमारा शरीर पूरा सोने का हो जाए,
और हम जहां भी जिसको भी स्पर्श करेंगे वो सोने का हो जाए, आप ऐसा हमें वरदान दो, हम सोना बहुत कमाएंगे। वशिष्ठ ने कहा तथास्तु। अरे भाई, दूसरे शिष्य ने कहा अगर हम सोने के हो गए तो क्या फायदा, हमारे पास ही सोना रहा, रावण के उतना सोना कहां से आएगा। दूसरे शिष्य ने कहा प्रभु हमें क्षमा करें, क्या हम एक बात और चाहते हैं, हम जो भी खाना खाकर गोबर डालते वो भी सोने का हो जाए।